हेलो गाइस, वेलकम अगेन टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। 9728714677 पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा वीडियो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये पार्ट टू है। इससे पहले मैंने पार्ट वन में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो देख लें। तो स्टार्ट करते हैं, 21 क्वेश्चन है जो, ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म की पहली भारतीय महिला एम्बेसडर कौन बनी है। तो ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो भारत की तरफ से एम्बेसडर बनी है वो है परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई वाला चिचम पुल कहाँ बनाया गया है। तो एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई वाला चिचम पुल है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। इस पुल की लंबाई है वो 120 मीटर लंबा है और 150 मीटर ऊंचा है ये पुल। हाल ही में चक्रवाती तूफान लीडिया कहाँ आया है। तो हाल ही में जो चक्रवाती तूफान लीडिया है वो मैक्सिको में आया था। भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं। तो भारत के जो नए गृह सचिव हैं वो राजीव गौबा हैं। राजीव गांधी खेल रत्न 2017 किसे प्रदान किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न दो खिलाड़ियों को दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरा राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है वो सरदारा सिंह जो हरियाणा सिरसा से बिलोंग करते हैं, हॉकी की टीम के कैप्टन रह चुके हैं। सेंसर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो सेंसर बोर्ड के नए चेयरमैन हैं वो प्रसून जोशी को बनाया गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है वो 107वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 137वां है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जयराम रमेश। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप विजेता इंग्लैंड। जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए किसे अनुमोदित किया गया है। तो गुड्स सर्विसेज टैक्स के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इसको प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को अनुबंधित किया गया है। योग पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो योग पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। विंबलडन महिला एकल 2017 किसने जीता है। तो विंबलडन का है जो गबरिन मुगुरुजा ने जीता है, स्पेन की खिलाड़ी है ये। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति के लेखक का नाम क्या है, राजेश जैन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एक फेमस बुक है जो अरुण दत्ती रॉय ने लिखी है। यूपीएससी के नए चेयरमैन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इसका प्रोफेसर डेविड आर सिमली है, नया अध्यक्ष बना है। केंद्रीय जल आयोग के नए चेयरमैन का क्या नाम है। तो नरेंद्र कुमार को केंद्रीय आयोग जल आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, तो जो शेड्यूल कास्ट के नया अध्यक्ष बनाया गया रामशंकर कठेरिया को। इसमें आपको पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव बताना है, तहमीना जंजुआ को पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव बनी है। दक्षिण कोरिया के 12वें राष्ट्रपति मून जे इन ने शपथ ली है। आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री का क्या नाम है, लियो वर्दकर। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि हैं जे एस दीपक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अर्थशास्त्री कौशिक बसु। टाटा ग्लोबल के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, मोहम्मद मुस्तफा। तो ये 20 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो टारगेट विद गोस्वामी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।